12वीं की बोर्ड परीक्षा पर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक। सभी राज्यों और एजुकेशन बोर्ड का पक्ष जानने के बाद 12वीं की परीक्षा पर हो सकता है बड़ा फैसला। 12वीं की परीक्षा पर होने वाली बैठक से पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी। कोरोना के ठीक होने के बाद आई दिक्कतों की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती। देश में कम हुए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 1,27,000 नए मामले, जबकि 2,795 लोगों की मौत। एक दिन में 2,59,000 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी। केजरीवाल सरकार ने किया एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन, लेकिन शराब डिलीवरी के लिए जरूरी लाइसेंस फिलहाल किसी के पास नहीं। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह पर दिल्ली में दूसरे दिन 3 सदस्यों वाली कमेटी के सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने रखा पक्ष। बोले, विरोधी ताकतों को हराना है, पंजाब के लोगों की बात कमेटी के सामने रखी। और एक महीने में 17वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर, डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ।